नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, HSSC CET भर्ती से संबंधित HSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और नया नोटिस आया है और इन लोगों को भी एक और आखिरी मौका दे दिया गया है। और इस वजह से क्या होगा, भर्ती में जो है देरी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। क्या नया नोटिस है, क्या अपडेट है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और यदि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, दिखा देता हूँ आपको क्या नया नोटिस आया है। तो दोस्तों, मैंने वैसे इससे संबंधित एक पहले वीडियो भी बना दी थी, लेकिन ये ऑफिशियल साइट पर नोटिस है, उस टाइम नहीं दिखा रहा था। तो ये नोटिस है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गया है। तो इसमें आप क्या देखोगे, जो करेक्शन का लिंक था जो कि 1 फरवरी 2023 से पहले 16 फरवरी 2023 तक था, उसके बाद इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी जो कि शायद 23 या 24 फरवरी तक कर दिया गया था। तो अब इसकी फिर से डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब आपके फार्म में कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत है तो उसको आप 2 मार्च 2023 रात 12 बजे तक है उसको सही करवा सकते हैं। यानी कि अभी आपके फार्म जो करेक्ट, यानी कि आपको नंबर लगवाने या हटवाने हैं, करेक्शन करवाना है कुछ भी, तो उससे संबंधित आपको फिर से कुछ टाइम और मिल गया है। और इसके बाद ये बोला जा रहा है कि कोई टाइम है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी कि 1 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक अगर आप नहीं करवा पाए हैं तो अब आप 2 मार्च 2023 तक आप इसको करेक्ट करवा लीजिए। तो ये बोला गया इसमें। तो ये एक नई अपडेट थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।